गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी वेलकम यू ऑल इन आर बैकर्स अकेडमी। टुडे वी विल सॉल्व आरएमएस क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ व्हिच हैपेंड टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। 2a-3b-a-2c-3b+4c-3 ब्रैकेट a-b-2c। ओके, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला एंड ये वाला, क्योंकि दोनों सेम है। सबसे छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। ओके, अब बाकी सबको एज इट इज लिख देता हूँ। -3b-a। अब मैं यहाँ ब्रैकेट खोल लूंगा क्योंकि सॉल्व हो गया, कि कुछ वेरिएबल तो दोनों के अलग अलग है ना, तो सॉल्व हो नहीं सकते। -2c और माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई होता है, +3b+4c। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3। -3a+3b+6c। ओके, अभी देखो 2a-3b। अब इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ए कौन कौन से देखो, ए कितना हो गया, माइनस का 2a, माइनस का 2c, प्लस का 4c, प्लस का 6c, कितना, प्लस का 10c, माइनस का 2c, तो क्या हो गया, प्लस का 8c। 3b एंड 3b, प्लस का 6b। ये लो, 2a-3b-। अब माइनस होगा, ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये -2a, ये क्या होगा, प्लस का 2a, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a- क्या होगा, 2a 3b एंड -6b, आंसर विल बी माइनस का 3b, माइनस का 8c। ओके, अब ब्रैकेट वापस खुलता है। अब क्या होगा, ये माइनस का बन जाएगा, बाकी सारे प्लस के हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल। तो मैं लिख सकता हूँ 8c+3b। अगर मैं ऑप्शन से सेटिस्फाई करता हूँ तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। 125% ऑफ एन आवर। ओके, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 160 मिनट्स। ओके, 125 × 60/100। अब देखो सबसे इजी चीज, 25 का टेबल सबको आना चाहिए। 25 5 जा 25 4 जा, कौन चीज हट गई, 4 से अगर कैंसिल करूँ 15, देन 15 5 जा 75 मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। सिंपल इंटरेस्ट अस सम बिकम 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2.5 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ओके, मान लो सम हो गया कितना, एक्स। अभी जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, वो अमाउंट बन रहा है, क्योंकि सम तो सेम ही रहेगा ना। एक्स का 8/7, 800/7, सॉरी 8x/7 अमाउंट मिल गया। देखो हमें, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई प्लस प्रिंसिपल। ओके, एस आई तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें प्रिंसिपल पता है कितना था एक्स, एस आई यहाँ आ गया, अमाउंट कितना था 8/7x। ओके, देन एस आई विल बी 8/7x-x। अगर इसको सॉल्व करता हूँ, 8/7x-7x, x/7। ओके, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई × 100/ में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, आर क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, एस आई क्या है, x/7 × 100, प्रिंसिपल क्या था x, एंड टाइम क्या था 2.5। अब देखो पहली बात तो x से x कैंसिल, अब क्या बचा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/7 × अब देखो 2.5 तो पॉइंट हटाऊंगा 25, और जो पॉइंट हटाया तो ऊपर के चला गया 10। ओके, 25 4 जा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 40/7, 5 होल 5/7% विल बी द आंसर। देन ऑप्शन बी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। हाउ मेनी 300 ml बॉटल्स आर फिल्ड अप फ्रॉम 7.3 m³। देखो 1 m³ कितना होता है, 1000 लीटर। ओके, देन 7.5 m³ विल बी 7.5 × 1000, 7500 लीटर। अब देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml,
then 7500 liter will be equal to 7500 into 1000 ml। ओके, ये तो अब ml में आ गया। अब अगर मुझे नंबर ऑफ बॉटल निकालनी है तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक बॉटल की कैपेसिटी कितनी, 3000 ml। पहले तो ml से ml कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या रहा, 7500 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करता हूँ तो 25, आंसर विल बी 2500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो क्या हो सकता है, 25 अपॉन में 16। 25 का क्या होता है 5, 16 का क्या होता है 4। आंसर विल बी 1 होल 1 अपॉन 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। ओके, देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो साथ में आते हैं। चलो अब करने के दो तरीके, तो इजी तरीका, जब भी ऑड नंबर आता है तो आप कैसे लो, सर छोटा नंबर एक्स माइनस थ्री, क्योंकि 7 है ना, बता रहा हूँ कैसे करना। फिर इससे बड़ा क्या होगा, एक्स माइनस टू, फिर इससे बड़ा एक्स माइनस वन, बीच वाला एक्स जो मीडियन होगा वो बीच वाला हो जाएगा एक्स। ओके, अब इससे बड़ा वाला एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। ओके, अब मुझे पता है ये 20 है, तो लार्जेस्ट क्या होगा, 20 प्लस 3 23। इजी तरीका। दूसरा सेकेंड, जिसको नहीं आ रहा, नॉर्मल एक्स ले लो, एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। ये तो पहला हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा है, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सिक्स। ओके, ये हो गए हमारे 7 नंबर्स। ओके, अब सोच के देखना, अगर एवरेज निकलेगा तो सेंटर वाला निकलेगा, कि ठीक है एक्स प्लस थ्री की वैल्यू गिवन है कितना है, 20। एक्स प्लस थ्री विल बी इक्वल टू 20, देन एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3, क्योंकि 3 यहाँ पे प्लस का है। एक्स की वैल्यू 17, दूसरे तरीके में 79, पहले तरीके में 20 आ रही है, ठीक है। अब देखो, अगर सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, 17 प्लस 6 23 इज द राइट आंसर, चेंज इन टू डेसिमल फॉर्म। ओके, 3/8 है। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, तो कभी भी आ सकता है कि 7 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेसिक चीज है ये तो। चलो, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 30841। ओके, सो द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 8। लेकिन ये तो 4 4 डिजिट हो, 5 डिजिट चाहिए, तो 1 को क्या यहाँ से हटा दो एंड यहाँ पुट कर दो, 10348 इज द राइट आंसर। अब बस स्टार्टेड एट 10:05 AM एंड रीच एनी प्लेस एट 3:40 PM। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस इन द होल जर्नी। क्या करो, इसको 12 नून है ना, उसको क्या करो, सेंटर ऑफ पॉइंट लो। ओके, अगर 3:40 PM से अगर माइनस करते तो कितना हो गया, 3:40, ठीक है आवर्स, ये तो ये हो गया 3 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। अभी देखो, अब 12 नून से इसको माइनस कर दो, कितना होगा, 12 नून माइनस 10:05, अभी 5, अभी 6 ही है, 6 माइनस 0 5 हो जाएगा, क्योंकि एक कैरी भी तो दिया था इसने, और ये हो जाएगा, देन 1 आवर 55 मिनट प्लस कर दो। ओके, इसको सॉल्यूशन करते हैं, 4 आवर 95 मिनट। ओके, देखो 4 तो आवर हो गए पूरे कन्वर्ट, और 95 मिनट, अब 95 में से अगर 60 आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 60 मिनट्स में कितने बचे, 35 मिनट बचे, और ये 60 मिनट का क्या हुआ, 1 आवर जुड़ गया, तो +1, 5 आवर एंड 35 मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 97। ये तो बेसिक पता होना चाहिए, सही बता रहा हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 15। ओके, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा था, 100, 15 से डिवाइड करते हैं, 6 जै 90, रिमाइंडर भी 10। अब देखो, 100 के पास 10 तो ऑलरेडी है, तो 100 में से क्या ऐड करेगी, 15 से डिवाइड हो जाए, 100 प्लस 15 माइनस 10, 100 प्लस 5 ऐड कर देते तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 105 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। व्हाट इज 7.5% ऑफ ₹2000। ओके, 7.5 × 2000 अपॉन में 100। ओके, पहली बात पॉइंट हटाया तो अपॉन में एक और 10 आ जाएगा, कितने जीरो, 3 जीरो, ये लो 75 × 2 कितना हो गया, ₹150, ऑप्शन डी। पर्सन ब्रॉट एग्स विद द प्राइस ऑफ ₹20 per dozen एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ ₹2 per egg।
व्हाट इज द गेन परसेंट इन ट्रांजेक्शन। देखो पर एक की एसपी कितनी, एसपी दे रखी है, एसपीएफ होल डजन निकाल लो, 12 × 2 24 रुपीज। ओके सीपी गिवन है, देखो सीपी गिवन आपको कितना, 20 रुपीज। एसपी गिवन है 24 रुपीज, तो क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होगा। 24 − 24 रुपीज का क्या होगा, प्रॉफिट। अगर मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी × 100। एक चीज याद रखना, मैं इसमें नंबर क्वांटिटी सेम करनी होती है। अगर यहाँ डजन की सीपी ले रहे थे, यहाँ पे भी डजन की एसपी लेनी पड़ेगी। प्रॉफिट कितना था, 4, सीपी कितना था, 20 × 100। 25 जा क्या होता है, 100, 5 4 जा 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके 3 बेल्स है, रिस्पेक्टिव टाइम गिवन है, तो एलसीएम निकाल दो। एलसीएम आएगा देखो 60 मिनट्स, कितना आएगा 60 मिनट्स, 60 मिनट इज विल बी इक्वल टू 1 आवर। तो देखो 8 AM में सब 7 बजे थे, अब नेक्स्ट 1 आवर में क्या होगा, वापस 7 बजेंगे। 30 AM, 9:30 AM इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। इसको सॉल्व करना है, 1.2 + 2/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। पहली चीज 3 + 4/6, 7/6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। प्लेस वैल्यू तो होगी 17, फेस वैल्यू होगी 7, डिफरेंस निकालना, माइनस कर दो, 63 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। वी नो टाइप 540 लेटर्स इन हाफ एन आवर, देन हाउ मेनी लेटर्स ही विल टाइप इन 6 मिनट। ओके हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स में कितना हो रहा है, 540 लेटर्स, 1 मिनट विल बी इक्वल टू 540/30 लेटर्स। ओके ये 18 लेटर्स। अब जो 6 मिनट में कितना करेगा, 18 × 6, 108 लेटर्स विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। सिक्सटी सेवन को क्या करना है, रोमन नंबर्स पे लिखना है, प्लेस वैल्यू लिख लो 67। 60 को कैसे लिख सकते हो, एल एक्स, 7 को कैसे लिख सकते हो, वी डबल आई, ऑप्शन बी। 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, देन ए विल रिसीव। देखो रेशियो बना क्यों, जब कोई कॉमन फैक्टर हो, मान लो कॉमन फैक्टर एक्स होता तो नंबर क्या हो जाते हैं, 3x और 2x। अब हमें क्या गिवन है, दोनों का सम कितना है, 1000 है, 5x विल बी इक्वल टू 1000, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1000/5, 200। ओके देन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3x था, 3 × 200, 600 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन रिड्यूस बाय 10%, देन द न्यू नंबर विल बी हाउ मच ऑफ द फर्स्ट नंबर। ओके देखो मान लो नंबर कितना 100 है, अगर मैं इसको 10% से इंक्रीज करता हूँ तो कितना बन गया, 110। अब देखो अगर मैं इसको 10% वापस डिक्रीज करता हूँ कितना हो गया, 110 का 10% कितना होता है, 11। किसी भी चीज का 10% निकालना है तो क्या करो, डिवाइड बाय 10, सिंपल, 110 है इसका 10% निकालना, डिवाइड बाय 10, 11 आ गया, माइनस कर दो तो 99% हो गया, तो पहले वाले परसेंट से क्या हो गया, 1% कम हो गया, तो माइनस में हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन इज 100 ईयर्स। ओके व्हाट विल बी द सम आफ्टर 5 ईयर्स। देखो तीनों 5-5 साल बढ़ेंगे, अभी तो देखो तीनों 5-5 साल बढ़ेंगे, तो 5 + 5 + 5, आंसर विल बी 115 ईयर्स, ऑप्शन बी। इन व्हाट टाइम विल 8000 एट 3% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 6000 डज इन 5 ईयर्स एट 4%। ओके कितना कर रहा है वो तो निकाल लो, क्या बोले, 8000 रुपीज पे 3% पर एनम पे कितना इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगी, जो 6000 कर रही है, पहले से कर रही है 5 ईयर्स में एट 4%, तो ऐसा ही क्या हो गया, पहले 6000, ऐसा ही ऑन 6000 निकाल लो, 6000 पी आर कितना है, 4, टी कितना है, 5 अपॉन में 100, 5 4 = 20,
1200 ऐसा ही हो गया। ओके, अब मुझे क्या बताना था, टाइम बताना था। अब देखो टाइम में प्रॉब्लम क्या था, ऐसा ही इंटू 100 इंटू आर, ऐसा ही कितना 1200 इंटू 100। अब नया प्रिंसिपल कितना 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% पर एनम। 1 2 3, 1 2 3, 3 से करता हूँ, दिया जाए 40/8, 40/8 विल बी 5 ईयर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखो किसी की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी थी, 1। हाँ देखो 1 + 1 इंटू 1, ओके 2 × 1 कितना होगा 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ सेवन स्पाइडर मेक 7 वेब्स इन 7 डेज, देन वन स्पाइडर विल मेक 1 वेब इन हाउ मेनी डेज। देखो समझना एक चीज, अगर देखो 7 मिलके 7 दिन में 7 वेब बना रही है, ठीक है, एक दिन में 7 मिलके कितने में आएगी, 7/7, 1 वेब बनाएगी, ठीक है, एक एक दिन में 7 मिलके कितने बनाएगी, 1 वेब। ओके अब एक चीज सोचो, अगर मैं यहाँ क्या करता, मैं डेज को कम कर देता तब भी यही होता। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या, m1 d1 h1 विल बी इक्वल टू m2 d2 h2, और वर्क का भी आ जाता है वैसे, वर्क वन और वर्क टू। ओके अब नंबर ऑफ स्पाइडर कितने, 7 है, डे कितने हैं 7 है, आर का तो गिवन नहीं, और वर्क कितना है 7 वेब्स हैं। ओके और इधर कितना हो गया, स्पाइडर कितनी है 1, वेब के वर्क है, तो डेज निकालना है तो एक्स मान लेते इसको, 7 7 कट गया। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स आ गया, एक्स विल बी इक्वल टू 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके किसका आंसर बताना है, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 3 5 × 3 क्या हो गया 15 + 4 - 2, आंसर विल बी 17। अ फ्रूट सेलर बाय लेमन्स एट 2 for ₹4, मतलब सीपी क्या है, सीपी ऑफ 2 लेमन्स इज ₹1, सीपी ऑफ 1 लेमन कितना जाएगा, 1/2। ओके एसपी ऑफ 5 लेमन कितनी है, 3 रुपीज, एसपी ऑफ 1 लेमन 3/5 रुपीज। ओके एसपी भी निकल गया, सीपी भी निकल गया। अब अगर एसपी को पॉइंट में करता हूँ तो 0.6 रुपीज, इसको पॉइंट में कर देता हूँ 0.5 रुपीज, तो एसपी ज्यादा है, प्रॉफिट हुआ होगा पक्का, एसपी माइनस सीपी, 0.6 - 0.5 ये हो जाएगा 0.1। ओके प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या प्रॉफिट परसेंट, 0.1 अपॉन सीपी कितना, 0.5 × 100। देखो यहाँ पॉइंट हटाया था अपॉन में 10, यहाँ हटाया था इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 1/5 × 100, आंसर विल बी 20% प्रॉफिट, ऑप्शन सी। ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड एज, नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड एज होल नंबर, ठीक है, 0 + नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर ही तो होते हैं। द लास्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज हैज 123 एज अ फैक्टर इज, देखो अब 123 जिसको पूरी तरह डिवाइड करेगा वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, देन ऑप्शन बी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, बता देता हूँ आपको। ओके एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर गिवन है 161। ओके एलसीएम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 161। अब ये सोच के देखो किसका हो सकता है 23 × 7, ठीक है, अब देखो जो पहला नंबर है ना, द एक्स एंड वाई इज 161, 3y - x क्या होगा, इसको 3y मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 तो कितना हो गया 21 - 23 करना है,
आंसर विल बी माइनस का टू, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3, देयर सम देयर है 125, 2x प्लस 3x कितना हो गया, 2x प्लस 3x कितना हो गया 125, 5x विल बी इक्वेट टू 125, x की वैल्यू क्या जाएगी देखो 125 डिवाइड बाय 5, 25, और वो नंबर कौन कौन से हो जाए, 25 इंटू टू एंड 25 इंटू थ्री 75 यानी 50, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इसमें क्या करना, आप ऐड कर लो इन सबको अंदर वाले को, 6405, 6405 प्लस 9320, ओके 527, 15725 डिवाइड बाय 498, 929, 660, 17 1 कैरी, 10 12 एंड 18, 5 6 11, 11 और 9 20, 2087। अब आप अगर देखोगे, देखो 2000 के पास में और ये 14000, तो 7 टाइम्स कुछ आ पाएगा, बाकी आ ही नहीं सकता ना, देखो यार खुद ही देखो इतना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। टू नंबर हुज सम इज 84 कैन नॉट बी इन द रेशियो, जो उनको डिवाइड नहीं करेगा। अब देखो 4 3 प्लस 1 कितना होता है 4, ये कितना होता है 21, ये कितना होता है 12, तो ये सारे तो डिवाइड कर देंगे, करेंगे कौन से, नहीं ये नहीं कर पाएंगे, तो ये इसके रेशियो में नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 0.02% ऑफ, पहले 150% ऑफ निकाल दो, 150 × 600 / 100, देन 0.02% × 900, ओके 0.02 निकालना मुझे, टू अब पॉइंट के कितनी प्लेस, दो प्लेस है ये लो, × 1/100 × 900 ये आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 2 18, 18/100, 18, 2 2 0 है, 2 0 छोड़ के लगा दो पॉइंट, यार 0.18, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो पहले क्या हुआ, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, अब क्या हुआ 7 प्लस 27 इज द राइट आंसर। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, देन हाउ डज द पेरीमीटर चेंज, ओके देखो पहले एल एल प्लस बी होता है, अब देखो क्या होगा 2l + 2b, अब कॉमन क्या है, दोनों कॉमन क्या है 2, 2 को ही भर लेते हैं एल प्लस बी, अब क्या हो गया 4l + b, अब ये पहले वाले से कैसे अंतर है, डबल हुआ तभी तो 4 हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय क्लोज प्लेन ऑफ अ फिगर, जब भी सरफेस की बात करते हैं और क्लोज प्लेन ऑफ फिगर है तो एरिया आएगा, विच सॉलिड हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस, इसके कितना था 1, सिलेंडर कितना था 3, ट्रायंगुलर प्रिज्म के होते हैं 5 फेस, क्यूब के होते हैं 6, तो सिंपल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अविनाश डिवाइडेड वाटरमेलन इन 18 पार्ट्स, ज्योति 8 7, दिव्या 8 4, देखो टोटल 18 थे, ज्योति ने 7 खा लिया, दिव्या ने 4 खा लिया, तो रिमेनिंग कितने हुए 7, ओके अभी टोटल पार्ट का व्हाट फ्रैक्शन है, टोटल कितने थे 18, देन 7/18 इज द राइट आंसर। ओके 2 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 8 × 1 कितना 8, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, प्लस 6 × 1 क्या हो गया 6, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो लगा दो, ये लो 4 × 1 4, 3 डिजिट छोड़ के लगा दो, ओके अब सबको ऐड कर लो, 2.00 लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद कितने में लिखो, राइट साइड में 0.8, 0.06, 0.004, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 468.2, 2.864 विल बी द राइट आंसर। सॉल्व करना है सबसे पहली चीज, सबसे इजीएस्ट वे, कोई अगर दिमाग लगाए तो देखो 8 2 क्या होता है 16, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, जो सॉरी जो लास्ट प्लेस है ना उस पे क्या आएगा 6 आएगा, इसमें क्या
इसमें क्या, इसमें क्या नहीं, कितना लगा हार्ड, हार्डली हमने को लगे 10 सेकेंड सोचने में। 500 डेकाग्राम इन किलोग्राम, देखो हेक्टेयर, किलोमीटर, किलो, डेका, ये सीरीज होते हैं। तो ऊपर जाते तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 5000 डिवाइड बाई 100 किलोग्राम में बदल रहा हूँ, 50 डेकाग्राम विल बी द राइट आंसर, 50 किलो, सॉरी क्योंकि पहले डेकाग्राम थे, किलो में कन्वर्ट हो गए। ऑप्शन ए, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8, यहाँ क्या हो गया 800 और यहाँ क्या हो गया, पॉइंट के बाद है तो 8 अपॉन में 1000, 800 प्लस 0.008 लिख सकते हैं इसको, 800.000 लगा दूंगा यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.008, 800.008, 800.008 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके कौन सा बड़ा है, अगर हम देखेंगे न्यूमरेटर इसका बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला बड़ा हुआ। देखो कुछ तो एकदम इजी क्वेश्चन थे, मतलब बहुत जल्दी क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब देखा जाए तो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 10, 15, 25 लीव्स नो रिमाइंडर, निकालो ना, 5, 10, 15, 25, 5 से कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 5, अब 2 से कर लो, 1, 1, 3, 5, अब 3 से कर लो, 1, 1, 1, 5, अब 5 से कर लो, 1, 1, 1, 1, 5 से जो 15, 15 टू 30, 35 150 विल बी द राइट आंसर। देर आर एक्सी स्टूडेंट्स, एक्सी कितना हो गया, 90 स्टूडेंट इन अ क्लास, ओके, एक्सेल स्टूडेंट आर एबसेंट, तो 40 हो गए, 40 एबसेंट है, प्रेजेंट कितने हैं, 90 माइनस 40, 50 प्रेजेंट है, 50 के साइन क्या होता है, एल, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ओके टैंक ए कंटेन 6 टाइम्स वाटर एज मच एज टैंक बी, ओके टैंक बी को बोलते हैं एक्स, टैंक ए कितना हो गया 6x, ओके अब क्या हो रहा है, मनोज ट्रांसफर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, सो दैट ईच कंटेनर कंटेन 70 लीटर ऑफ मिल्क, ओके दोनों के पास कितना हो गया, 70 70 हो गया, बाद में कुछ ट्रांसफर करने के बाद दोनों मिला के कितना 140, ओके अब मैं लिख सकता हूँ पहले वाली कंडीशन जो थी, एक्स प्लस 6x कितना हो गया 140, 7x की वैल्यू कितनी होगी 140, एक्स की वैल्यू 20 एंड 6x की वैल्यू कितनी होगी 120, अब 120 ये इसको कितना देगी, दोनों में 70 70 हो जाए, पहला ऑप्शन देखते हैं 50 लीटर दे के देखता हूँ, 50 कम करूंगा तो कितना 70 लीटर बचेगा और ये भी हो जाएगा 70, तो ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर गया, तो बाकी कोई जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आपका गलत था, मैंने सॉल्यूशन वाली वीडियोस में इसका डिटेल सॉल्यूशन बताया है, जो पहले हमने वीडियोस अपलोड की थी जिसमें सिर्फ ओनली आंसर आंसर थे, उसकी मैं अपना डिटेल सॉल्यूशन बताया इसमें। द सम ऑफ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12, कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, एलसीएम, पहला तो हो जाएगा 36, नेक्स्ट हो जाएगा 72, ओके अब दोनों इन दोनों सम करना है, 36 एंड 72, कॉमन मल्टीपल का मतलब है एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, 8 108 will be the right answer, option D. The weight of one apple is 50 grams and that of melon is 500 grams. What is the weight of 3 melon and 10 apple? 10 apple है कितना, 10 into 50 grams, 500 grams. Okay. 3 melon का क्या हो जाएगा? 3 into 500 grams. 1500 grams आ जाएगा. Total weight कितना हो जाएगा? 1500 grams. प्लस 500 ग्राम्स, प्लस करता हूँ 2000 ग्राम विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके अ लेन इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, ओके इज टू बी पेव्ड रेक्टेंगुलर टाइल्स ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर, ओके पहले देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके अभी देखो एरिया ऑफ टाइल क्या है, 22.5, अब मुझे एक का पता है सबका नहीं पता, इंटू 7.5, अभी सेंटीमीटर में तो हमारी लेंथ और ब्रेथ को भी सेंटीमीटर बदल देते हैं,
150 है ही मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया ये लोग, 900 मीटर, 9 मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया। ओके, नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एरिया अपॉन में एरिया अपॉन टाइल। टोटल एरिया कितना था? 15 3 4 0 इंटू 900 अपॉन में, अब देखो 22.5 इंटू 7.5, पॉइंट हटाया तो मल्टीप्लाई बाय 10, फिर वापस पॉइंट हटाया तो मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, इसको करते हैं, अब यहाँ से पॉइंट इसको कॉमन वाइप करते हैं। ओके, 225 एंड 75 है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 5000 इंटू 900 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में 225 इंटू 75। अगर 225 4 जा होता है 900, सीधा कट गया। देखो अब कैसे काटोगे सीधा, अब तो कोई है नहीं। हाँ है, क्या 25 से करोगे ये 2 हो जाएगा और बाकी 0 लगा दो, 200 25 से कर लेते हैं 3 हो जाएगा। ओके, 1 मिनट लेट मी सी, ये 150 है, 15 था सॉरी, तो यहाँ 150 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 काटूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा, 600। ओके, ये 3 हो जाएगा, इसको वापस कैंसिल कर देता हूँ, 200, 204 इंटू 800 और आगे 2 0 और लगा दो, 800 और आगे 2 0, ये लो ऑप्शन डी सेटिस्फाई द होल क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स दिस वाज योर आरएमएस पेपर, आई थिंक पेपर वाज अ बिट डिफिकल्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड आई थिंक योर एवरेज मार्क्स शुड बी 45 समथिंग बिकॉज द अदर क्वेश्चंस वर इजी, सो यू कैन इजीली स्कोर।